गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ये बता रहा हूं कि जो स्पेशली चंद्रा इंस्टीट्यूट टीम के द्वारा ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ये किसको टारगेट करके बनाए जा रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। अभी इससे पहले हमने इसका भाग 13 डिस्कस किया था, सेकेंड पार्ट है इसका। और हम क्या स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे, हम एक तरीके से जो टैक्स है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और सबसे प्रभावशाली जो अभी चल रहा है 2019 में, 2017 से जो भारत में लागू हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या जीएसटी के बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे। और अभी तक जीएसटी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, जैसे कि अभी तक के जो इसके पहले वाले वीडियो में था बताया गया है कि जीएसटी कहाँ से आया, भारत में किस देश का मॉडल लिया गया, कब कब जीएसटी की प्रस्तुति की गई, वो उसके बारे में बताया गया। अब चलिए अब उसको आगे बढ़ाते हैं, हम उसी परिपेक्ष को, और आगे हम आपको दिखाते हैं कि फिर क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए, किसी भी एक तरीके से किसी भी कानून को बनने के लिए पहले आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है। उसी तरह अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो जीएसटी बिल राज्यसभा में कब आया था, जीएसटी बिल राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। यह आप नोट कर लीजिए कि जीएसटी बिल राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। अगर हम राज्यसभा के बाद अगर हम लोकसभा की बात करें स्टूडेंट्स, तो जीएसटी बिल लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था, 3 अगस्त को आपका राज्यसभा में और 8 अगस्त 2016 को आपका लोकसभा में पारित किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए, राज्यसभा हो गई और लोकसभा हो गया, इसके बाद हम देखिए सबसे एक तरह से अनुमति अंत में किससे लेने की जरूरत होती है, वो होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये कब एक तरीके से अप्रूवल मिला था, ये मिला था 8 सितंबर 2016 को दिया गया था। इसको आप स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए कि जीएसटी को एक तरीके से बिल पर राष्ट्रपति की जो अंतिम मोहर है वो कब लगी थी, वो 8 सितंबर 2016 को लगी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी है कि अगर भारत में अगर आप जीएसटी चोरी करते हैं, यानी जीएसटी का आप नहीं देते हैं सरकार को, तो आपको कितने वर्ष की सजा हो सकती है, आपको 5 वर्ष का कारावास हो सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए कि जीएसटी में 5 साल का आपको कारावास हो सकता है। अब इसके बाद देखिए, भारत दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो जीएसटी लागू किया है, तो भारत के अलावा देश पूरे वर्ल्ड में 160 देश हैं, भारत कौन सा है 161वां देश है जिसने जीएसटी को लागू किया। और मैंने भी बताया था जीएसटी को वन टैक्स वन नेशन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स, जीएसटी की जो दरें हैं वो 5 तरह से डिवाइड की गई हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जैसे कि अगर जो निम्न कोटि की वस्तु है, जैसे नमक हो गया जो डेली हम यूज करते हैं, उसके लिए सरकार ने उसमें कितने परसेंट रखा है, एक तरीके से 0%। और इसी तरह से दर बढ़ती चली लग्जरी चीजों के लिए कितना रखा गया है, 28%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन उठता है, सर आप बताइए स्टूडेंट्स की जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो जीएसटी स्टूडेंट्स आपको हम बता दें 3 प्रकार की जीएसटी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीएसटी 3 प्रकार की होती है भारत में। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हिंदी में कहते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। उसके बाद अगर एसजीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको हिंदी में कहते हैं राज्य वस्तु एवं सेवा कर। और इसके बाद अगर हम बात करें आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। अब सर इसमें डिफरेंस क्या है, चलिए हम आपको समझा देते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, उसमें जैसे मान लीजिए ये प्रयागराज है, प्रयागराज में अगर किसी चीज का एक तरीके से बन रहा है, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर बन रहा है, और उस रेफ्रिजरेटर का अगर एक तरीके से जो उसको टैक्स स्लैब में आएगा, वो टैक्स स्लैब में आएगा 18%। आप समझते जाइएगा, आप 18/2 कर देंगे तो कितना आएगा, 9% आपका क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, केंद्र सरकार रखेगी, और 9% कौन रखेगा, एसजीएसटी यानी राज्य सरकार रखेगी, आप इसको याद रखिएगा। अब सर ये आईजीएसटी क्या है, आईजीएसटी का तात्पर्य ये है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए वही फ्रिज जो इलाहाबाद में बन रहा है, अगर एक तरीके से प्रयागराज में बन रहा है, हम उसको मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेजते हैं, यानी एक सीमा से दूसरी सीमा में जा रहा है,
तब बेटा वहां ना सीजीएसटी लगेगा ना एसजीएसटी लगेगा, वहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। इसको आप स्टूडेंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जीएसटी की दरें हैं जो, आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी के बारे में इतना बताया गया आपको, अब बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है लेकिन स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती है। सेस, हिंदी में इसको कहा जाता है उपकर, ये टैक्स का छोटा भाई होता है। स्टूडेंट्स बहुत कम लोगों को ये पता होता है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये टैक्स का छोटा भाई होता है, और ये किसी विशेष मकसद से सरकार क्या करती है, कुछ समय के लिए लगाती है, और वो जब मकसद पूरा हो जाता है, वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, सरकार इसको वापस ले लेती है। जैसे अगर हम बात करें, इसका हम पहले डेफिनेशन भी दिखा देते हैं आपको, उपकर एक प्रकार का कर है, इसे कर के साथ, कर के कर आधार पर ही लगाया जाता है। उपकर को किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लगाया जाता है तथा लक्ष्य प्राप्ति के बाद इसको बंद कर दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे भारत में अभी तक जो प्रयोग किए गए कुछ सेस हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए। एजुकेशन सेस किस चीज को बढ़ाने के लिए? शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार लगाती एजुकेशन सेस, जब ये अगर एक तरह से लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी इसको बंद कर देगी। फिर उसके बाद कृषि कल्याण सेस, कहने का तात्पर्य है कृषि कल्याण उपकर, कहने का तात्पर्य कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, कृषक को बढ़ाने के लिए आगे गतिविधियों को इसको लगाया गया। एजुकेशन स्वच्छ भारत से बताने की जरूरत नहीं है, भारत को स्वच्छ भारत बनाने की एक दिशा में 2 अक्टूबर 2019 तक ये टैक्स को लगाया जाएगा, ये सरकार की अभी तक की योजना है कि भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ किया जाए। एजुकेशन एंड हेल्थ से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, बताने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन यानी स्वास्थ्य और एक तरह से हेल्थ को बढ़ाने के लिए सेस लगाया गया है। क्लीन एनर्जी सेस, भारत को एक तरीके से प्रदूषण मुक्त कराने के लिए ये सेस लगाए गए हैं। तो ये निम्न प्रकार के सेस लगाए गए हैं, लेकिन अब ये सारे के सारे सेस जीएसटी में सम्मिलित हो गए हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि ये किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगाए जाते हैं। चलिए अब इसके बाद बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर सेस हो गया, एक चीज ये बताइए सर सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देना। अब सरचार्ज क्या है? यह टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, लेकिन यह सभी करदाताओं पर नहीं लगाया जाता, यह सभी करदाताओं पर नहीं लगाया जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनकी हाई इन रिच इनकम ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, उन पर लगाया जाता है, यानी जिनकी आय एक तरीके से एक सीमा विशेष से बहुत ज्यादा होती है उन पे ये सरचार्ज लगाया जाता है। अब सरचार्ज लगाया जाता है तो भारत में सरचार्ज 2019 की हम टैली देखते हैं जो अभी ऑनरेबल एक तरीके से चल रही है, ऑनरेबल आपके अरुण जेटली जी ने बताया है, कुल आय 50 लाख से अगर कम आपकी आय है सालाना तो आपके ऊपर सरचार्ज निल, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच अगर आपकी आय है तो जो इसमें सरचार्ज लगेगा वो लगेगा आपका, कितना लगेगा? 10% लगेगा पूरी आय का। इसके बाद अगर 1 करोड़ से अधिक है तो जो सरचार्ज लगेगा वो कितना लगेगा? 15%। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो भी आंकड़े बताए जा रहे हैं ये आपको 2019 के एक तरह से एग्जाम को गौरतलब करते हुए बताए जा रहे हैं, ये 2019 के पूरा स्लैब है टैक्स का। इसके बाद एक बहुत मेरे एक तरह से फेसबुक पेज पे भी और चंद्रा के भी फेसबुक पेज पे बताया गया है, सर ये टॉबिन टैक्स क्या होता है? टॉबिन टैक्स बहुत बार पूछा गया है, तो बेटा टॉबिन टैक्स क्या होता है? ये बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक देश से दूसरे देश में जो भी मुद्रा की एक तरह से लेन देन में, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो उसके विनिमय के लिए उन्होंने बताया था कि एक देश से दूसरे देश में जो मुद्रा का विनिमय होता है उसमें भी क्या लगना चाहिए? टैक्स। और उस टैक्स का नाम रखा गया था टॉबिन टैक्स, और उसको अर्थशास्त्र में उसी टैक्स के लिए ऑनरेबल टॉबिन सर को अर्थशास्त्र का नोबल भी मिला था। चलिए अब एक आता है पेगोवियन कर, पेगोवियन कर, पेगोवियन टैक्स, ये क्या है? यह प्रदूषण पर लगने वाला कर है, जैसे कारखाना, फैक्ट्री, कार, बाइक आदि, समझ लीजिए। अब सरकार बाहर, वेस्टर्न जो सरकार है वो जो प्रदूषण फैला रही है, जो ज़्यादा एक तरीके से सामान जैसे कार हो गए, क्या कहते हैं, कारखाना हो गया, बाइक हो गई आदियों पे,
उसके लिए भी एक टैक्स लगाया जा रहा है, जिसका ज्यादा सबसे ज्यादा कार्बन निकालेगा उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, और उसको टैक्स को नाम दिया गया पेगोवियन कर। इसको आप नोट कर लीजिए, पेगोवियन कर, या एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स किसको दिया जाता है? यह कंपनी में काम करने वाले, अगर एक एम्प्लॉई है, एक कार्यकर्ता है, और वह बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कंपनी क्या करती है, उसको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स देती है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त वित्तीय लाभ पहुंचाती है, तो वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहलाता है। जैसे हम तनख्वाह तो दे ही रहे हैं, उसको हमने फोन दे दिया, उसकी हम कार की व्यवस्था कर दी, उसको हमने एक अच्छा लग्जरी अपार्टमेंट दे दिया, या हमने कोई हॉलीडे पैकेज दे दिया कंपनी ने, वो सब स्टूडेंट्स किस में आएगा? आय के अलावा हम अगर कर्मचारी को दे रहे हैं कोई कंपनी, वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में आएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, अभी तक जो आपसे डिस्कशन किया गया, ये आपके एनटीपीसी रेलवे और ग्रुप डी को टारगेट करके चंद्रा इंस्टीट्यूट प्रयागराज और पूरी टीम के द्वारा बनाया जा रहा है। मैं संदीप शर्मा इन्हीं शब्दों के साथ कि आपका, आप अपने लक्ष्य पे सफल हो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।